नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ बने रहने के लिए और वापस आकर मेरी वीडियोस को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, साइटिका के दर्द को सिर्फ 7 दिन के अंदर ठीक किया जा सकता है। साइटिका का दर्द ऐसा है जिसके लिए ये कह सकते हैं, जिस तन लागे सोई तन जाने। इसका दर्द तो वही महसूस कर सकता है जिसने इस दर्द को सहा है। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, इसको सिर्फ 7 दिन में ठीक किया जा सकता है। पहले दिन में आपको इसका फर्क भी दिखने लगेगा, लेकिन इसे करना पूरा है, यानी कि इसके इलाज को आपने आधा नहीं करना। इस वीडियो में जानेंगे कि किन लोगों को साइटिका दर्द होता है, यानी कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनमें कुछ चीजों की कमी हो जाती है या फिर कुछ चीजें ज्यादा हो जाती हैं, जिस कारण से कुछ लोगों के अंदर साइटिका या बैक पेन होता है। साइटिका एक ऐसी नर्व है जो हमारे लंबर रीजन से निकलती है, यानी कि हमारी हिप से निकलती है और पूरी लेग में जाती है। जहाँ जहाँ ये साइटिका की नर्व जाती है, वहाँ वहाँ इस नस का दर्द हमें महसूस करना पड़ता है। लंबर रीजन हमारी बॉडी का एक ऐसा पार्ट है जो सबसे ज्यादा मूवमेंट करता है और सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। हमारी रीढ़ की हड्डी यानी जो डिस्क है, उसमें जो वर्टिकास बने होते हैं, छल्ले बने होते हैं, कुछ लोग उसे मनके कहते हैं, वो किसी भी कारण भी आपको बताया जाएगा। कुछ लोग ये मानते हैं कि हमने वेट बहुत ज्यादा उठा लिया था किसी टाइम, या फिर हम गिर गए थे, उसके बाद हमारे ये डिस्क जो है, जो छल्ले हैं, जो ये वर्टिकास हैं, अपनी जगह से खिस चुके हैं, हिल चुके हैं, जिसके कारण साइटिका की नस दब गई और हमारे पूरी टांग में दर्द रहने लग गया। लेकिन आज मैं इसका परफेक्ट रीजन बताऊंगी और इसका परफेक्ट ही इलाज बताऊंगी। हमारे बॉडी में जो डिस्क है, उसके अंदर जो छल्ले बने होते हैं, वर्टिकास बने होते हैं, वो अपनी जगह से क्यों खिसकते हैं? इसका रीजन सबसे बड़ा है, जिन लोगों की बॉडी के अंदर वायु ज्यादा बनती है, जिन लोगों की बॉडी में नसें कमजोर हैं, उनको ये बैक पेन या साइटिका का दर्द ज्यादा सहना पड़ता है। सबसे बड़े 2 रीजन यही हैं, जिनकी नसें कमजोर हैं और जिनके अंदर वात ज्यादा बनती है। जब हमारी बॉडी में वात यानी वायु ज्यादा बनेगी, तो वो नसों को कमजोर कर देगी, नसों में ऐंठन ला देगी। जैसे कोई पाइप होती है, पानी वाली पाइप, वो सर्दियों के दिनों में कैसे अकड़ जाती है, ऐसे ही अगर हमारी नसें अकड़ जाएं, तो या फिर तो वो मुड़ जाएंगी या फिर वो अपना सही से काम नहीं कर पाएंगी। जैसे पानी वाली पाइप अपना सही से काम नहीं कर पाती जब वो मुड़ जाती है, जिसके कारण पानी की सप्लाई आगे तक नहीं हो पाती। उसी हिसाब से अगर ये साइटिका की नस दब जाए, तो उसके कारण ब्लड का सर्कुलेशन पूरी टांग में उस नस के द्वारा नहीं हो पाता, जिसके कारण वो पूरी की पूरी टांग दर्द होने लगती है और उसके अंदर जो साइटिका की नस है, नर्व है, वो भी दर्द करने लगती है। इसीलिए सबसे जरूरी है कि आप अपनी बॉडी से वात को बाहर करें, वायु वाली चीजें नहीं खाएं। जिनके अंदर भी नसों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या फिर वात यानी वायु ज्यादा बनती है, उनको खट्टी चीजें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। खट्टी चीजें खाने से नसें और कमजोर होती हैं और वात भी बॉडी में बढ़ती है। तो अब बात करते हैं हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात, जब भी कोई नस दबती है, चाहे वो साइटिका की हो या बॉडी की कोई भी नस हो, उसे ठीक करना सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि उसमें स्वेलिंग नहीं आए। किसी भी नस में अगर स्वेलिंग आ जाए, तो उसे ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यानी कि नसों में आने वाली सबसे पहले इंफ्लामेशन यानी स्वेलिंग को दूर करना होगा, और स्वेलिंग को दूर करने के लिए आपको मेथी दाने से बेस्ट और कोई चीज मिल ही नहीं सकती, क्योंकि मेथी दाना एक ऐसी चीज है जो स्वेलिंग को भी दूर करता है और बॉडी से वात को भी दूर करता है। यानी इसका काम क्या हुआ, 2-in-1 काम हुआ। एक चीज ली आपने, एक चीज खाई, जिसके आपको 2 बेनिफिट मिले, आपकी बॉडी से वात भी दूर हो गई और इसके अलावा स्वेलिंग यानी इन्फ्लेमेशन भी दूर हो गई। तो मेथी दाना तो आपने रोजाना लेना है। कुछ लोगों के मन में ये क्वेश्चन आएगा, क्या हम इसे गर्मियों के दिनों में ले सकते हैं? आप मेथी दाने का पाउडर गर्मियों में नहीं ले सकते डायरेक्ट, लेकिन आप रात को मेथी दाना भिगो दीजिए और सुबह खा लीजिए। इस तरीके से आप बड़े आराम से खा सकते हैं। अगर हो सके तो इसके अंदर एक अखरोट भी डाल दीजिए, क्योंकि नसों को मजबूती देने के लिए अखरोट बहुत काम का है। इसमें बहुत सारा ओमेगा-3 होता है, ये हमारे माइंड को शार्प करता है, क्योंकि ये हमारे माइंड की नसों को एक्टिव करता है। इसीलिए नसों को यानी नर्व को एक्टिव करने के लिए अखरोट खाना, ओमेगा-3 लेना बहुत बेस्ट है। ओमेगा-3 वैसे मछली में और अलसी में भी काफी होता है। आप रात को अलसी भी भिगो सकते हैं इसके साथ 1 चम्मच और सुबह खा लीजिए। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, जो अलसी होती है वो तासीर की काफी गर्म होती है, इसे बिना भिगोए यूज नहीं करें सिर्फ समर में। सर्दियों के दिनों में आप वैसे भी ले सकते हैं, लेकिन गर्मियों के दिनों में आप हमेशा इसे भिगो। बॉडी में से वात और वायु को दूर करने के और भी बहुत बेस्ट तरीका है, वो है गिलोय का जूस लेना। सुबह उठकर अगर आप 4 चम्मच गिलोय का जूस 1 गिलास गुनगुने पानी में मिक्स करके लेते हैं, तो इसके बहुत बेनिफिट मिलेंगे। ये हमारी बॉडी में बनने वाली वात को दूर करता है। जिनको जॉइंट पेन की प्रॉब्लम है, उनको भी रोजाना जरूर लेना चाहिए, यानी कि ये जोड़ों के दर्द को भी ठीक करता है, वात को दूर करता है, डायबिटीज को कंट्रोल करता है, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, नसों को मजबूती देता है, यानी इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। इसके अलावा कोई नस दब चुकी है, प्लेटलेट्स घट चुके हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। कुछ लोगों के मन में ये सवाल होगा, क्या हम इसे गर्मियों में या सर्दियों में ले सकते हैं? तो इसको आप किसी भी मौसम में ले सकते हैं,
ना तो ये गर्मी करता है और ना ही सर्दी करता है। लेकिन सिर्फ आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि आप इसे हल्का सा गुनगुने पानी में ही मिक्स करके लें, कभी भी बिल्कुल ठंडे पानी में या बहुत गर्म पानी में मिक्स करके नहीं लें। तो अब मैं आपको वो तरीका बताने जा रही हूँ जो 7 दिन के अंदर साइटिका के दर्द को बिल्कुल ठीक कर देगा। आपको मैं 3 ऐसे एक्यूप्रेशर पॉइंट बता रही हूँ जो बहुत ही परफेक्ट है। जो भी लोग साइटिका के दर्द से परेशान है या बैक पेन बहुत ज्यादा रहता है और इस टाइम वो मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो इसी वीडियो के चलते चलते आप इन पॉइंट्स को दबा लीजिए तो रिजल्ट आपको उसी दिन मिल जाएगा। जैसे कि मैं आपको बोल रही हूँ कि पहले ही दिन में इसका रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन पूरा बिल्कुल ठीक आप 7 दिन में हो जाएंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट कौन सा है? आपको रिंग फिंगर दिखाई जा रही है। रिंग फिंगर का बीच वाला जो पोर होता है, बीच वाला 3 पोर होते हैं, 3 पोर होते हैं, तो बीच वाला जो पोर है रिंग फिंगर का दोनों हाथों की। एक चीज आपको और बताना चाहूंगी कि अगर आपका साइटिका का दर्द राइट लेग में है तो आपके राइट हैंड में इसका दर्द ज्यादा होगा, लेफ्ट लेग में है तो लेफ्ट हैंड में इसका दर्द पॉइंट का ज्यादा होगा दर्द। तो इसके लिए आपको क्या करना है, रिंग फिंगर के बीच की जो पोर है, बीच की जो साइड है, उसको साइडों से प्रेस करना है। आपको एक लाइन के थ्रू दिखाया जा रहा है, साइडों से दबाइए। इसके अलावा एक काम आपने और करना है, जो ऊपर वाली साइड होती है, जो हाथ उल्टा है और ऊपर वाली साइड है रिंग फिंगर का सेंटर, जहां आपको डॉट दिखाया जा रहा है, वहां आप पेन ले लीजिए और पेन से गोल गोल घुमाइए काफी दबाकर। आप जब इसे दबाएंगे तो इंस्टेंटली आपको साइटिका के दर्द में रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन ये टेम्परेली होगा, परमानेंट नहीं होगा। अगर आप इसी पॉइंट को दिन में 4 से 5 बार दबाते हैं और 7 दिन रेगुलर ऐसे ही दबाते हैं तो ये साइटिका का दर्द ठीक हो जाएगा। अगर नस दब चुकी है तो वो ठीक हो जाएगी। जो मनके अपनी जगह से हिल चुके हैं और उन्होंने साइटिका की नस को दबा दिया है, वो नस दोबारा सही हो जाएगी अगर आप इस पॉइंट को दबाते हैं। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट है इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर का आपने फिंगर जहां खत्म होती है वहां आपको एक लाइन दिखाई जा रही है, हाथ में उल्टे हाथ में आपने प्रेस करना है, उल्टे हाथ में आपको एक लाइन दिखाई जा रही है, वो पूरी की पूरी लाइन को आपने प्रेस करना है। फिर दोबारा बता रही हूँ, जिस लेग में आपको साइटिका का दर्द है उसी हैंड में आपको दर्द ज्यादा होगा, लेकिन दोनों हाथों में आपने बराबर दबाना जरूर है। इसके साथ आपको मैं तीसरा पॉइंट बता रही हूँ, लेकिन उससे पहले एक चीज बता दूं कि ये पॉइंट सेम के सेम आपको पैरों में भी प्रेस करने हैं, वो भी आपको जरूर बताए जाएंगे। इसके अलावा तीसरा जो पॉइंट है वो थंब का पॉइंट है। थंब जहां खत्म होता है और उसके बाद वो एरिया जहां आपको रेड लाइन से दिखाया जा रहा है वहां आपने प्रेस करना है। ये तीनों पॉइंट आपने दिन में 3 से 4 बार जरूर प्रेस करने हैं और 1 हफ्ते यानी 7 दिन के लिए रोजाना इसे प्रेस जरूर करें, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि पैरों में इसके पॉइंट तीनों के तीनों कहाँ हैं। तो वो पॉइंट जहाँ आपको रेड डॉट पैरों में दिखाया जा रहा है वहां आपने प्रेस करना है। जब आप प्रेस करेंगे तो बहुत ही दर्द होगा, लेकिन उस दर्द को सहकर आप इस साइटिका के दर्द को ठीक कर सकते हैं। इसी हिसाब से जैसे कि बल्ब जो होता है वो जगता कहीं और है, लेकिन उसका स्विच जो होता है उसका बटन कहीं और लगा होता है। जैसे ही हम उस बटन को प्रेस करते हैं बल्ब या पंखा अपने आप चलने लगता है। उसी हिसाब से अगर आप इस पॉइंट को प्रेस करेंगे तो कमर दर्द या साइटिका का दर्द अपने आप ठीक हो जाएगा, क्योंकि हमारे हाथों और हमारे पैरों में हमारे सारे के सारे बॉडी के ऑर्गन्स के कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स होते हैं। अगर हम उन्हें प्रेस करते हैं तो वो चीजें ठीक होती हैं। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, जो कि इंडेक्स फिंगर पर मैंने आपको बताया था हाथ में, उसी हिसाब से जब आप पैर अपना धरती पर रखते हैं तो हमारे टो और सेकंड टो यानी अंगूठा और उसके साथ वाली उंगल, ऊपर लाइन जहां दिखाई गई है रेड लाइन, वहां आपने प्रेस करना है, वहां पे आपको दर्द फील होगा। अब तीसरा पॉइंट जो फुट में आपको मैं बता रही हूँ वो है टो के साइड का एरिया, वहां भी आपको रेड लाइन से दिखाया जा रहा है। इन तीनों पॉइंट्स को फुट में और इन तीनों पॉइंट्स को अपने हैंड में अगर 1 सप्ताह के लिए प्रेस कर लिया तो आप साइटिका के दर्द को बिल्कुल भूल जाएंगे, यानी कि बैक पेन, दबी नस या मन को भी फर्क पड़ा है L1 L4, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लेकिन आपने इसे रेगुलर जरूर रखना है। इसके अलावा आप सुबह उठकर मेथी दाना और गिलोय का जूस लेना बिल्कुल ना भूलिए। अगर आपके कोई सवाल है इस वीडियो से रिलेटेड तो जरूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन और उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके बाय।